What is सुधा जी की desires क्या हैं? Well, मुझे दो तीन चीज़ के desires है, आशा है. I want to see my country, हमारा देश में सब बच्चों को 3 times a day meal मिलना चाहिए. ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर चाहिए. 3 सेट ऑफ कपड़े चाहिए और मिनिमम एजुकेशन तो 12th स्टैंडर्ड तक चाहिए. आपको कैसे लगी थ्री? बहुत अच्छा है. It is not the only academic excellence. Again, I want to tell next generation, it is important to have academic excellence. उनका एक अंकल बिना बताए, सेलफोन था लेकिन नहीं बताए, वो लंच को आ गए और द्रौपदी के पास इंस्टापॉट, उनके पास इंस्टापॉट था लेकिन एक कंडीशन पे, उसमें एक दाना भी नहीं अंदर रहना चाहिए, वो जर्म्स आ जाता है. I think it's my honor that my profession brings me to places like where I am today. और मुझे ऐसे लगता है कि मेरे करियर में ये मेरे top 3 इंटरव्यूज़ में से एक होगा. लता दीदी being one I can remember. But वो इसलिए भी क्योंकि मैं जिससे मिल रही हूँ मुझे इतना प्यार आ रहा है, उतना रिस्पेक्ट आ रहा है, उतना ऑनर आ रहा है. और मैंने ऑलरेडी उनको बोल दिया कि मैं टेक्नोलॉजी बहुत बीच में आती है और मैंने उनको ऑलरेडी बोल दिया मैं उनको घर लेके जाना चाहती हूँ बिकॉज इतनी सादगी और इतना प्यार मुझे फॉर हु आई एम एंड वेयर आई कम फ्रॉम, नॉट फॉर व्हाट आई डू. बट मैंने खाली उनसे बोला कि मैं सिंधी हूँ और हमारी इतनी बातें हो गई हैं. सुधा जी, आई हैव नो वर्ड्स, आई कांट इंट्रोड्यूस यू, आई एम टू स्मॉल अ पर्सन, बट यू आर सो एडोरेबल. थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स. No, and you know, I'm teary-eyed. In no interview I started teary-eyed, and this is because we came in the lift together. Your first question to me is, "What have you eaten?" Give her some buttermilk. Your care is like that of a mother, and you'll not believe my mother is a Leo like you. I don't know if you believe in all of these things, but आप जितना बड़ा आपके name, fame, औदे और अचीवमेंट से हुई हैं आप उतनी ही स्वीट, हम्बल. आई नो हम्बल इज अ वर्ड यू मस्ट बी सेकंड टायर्ड ऑफ हियरिंग फ्रॉम, बट आई फील यू हैव दिस ह्यूमैनिटी साइड दैट इज बिगर देन एनीथिंग एल्स अबाउट यू. एंड आई जेन्यूनली वांट टू आस्क यू दिस बिकॉज द वर्ल्ड ओनली नापो तोलोज बाय मनी, अचीवमेंट्स, ब्रांड्स. यू सीम टू बी गोइंग फार फ्रॉम इट. हाउ आर यू डूइंग दिस? ये कैसे? हमने हमारे जीवन में बहुत चढ़ाव उतार देखा है और नेशनल कैलेमिटी में मैंने 13 नेशनल कैलेमिटी में मैंने काम किया है. सुनामी, अर्थक्वेक, ड्रॉट, फ्लड्स एंड लास्ट वन वाज कोविड पैंडमिक. सो मृत्यु को, मरण, मृत्यु, डेथ आई हैव सीन इन वेरी क्लोज क्वार्टर्स जी. इसीलिए मुझे लगता है जीवन इतना ही है, ये छोटा जर्नी होता है जीवन का, उसमें क्यों इसके लिए ये मनी, शोहरत, ब्रांडिंग, ये कुछ नहीं चाहिए. यू रिक्वायर टू हेल्प पीपल, आप मदद करना चाहिए, आप भी खुश रहना चाहिए. इसके लिए उतना पैसा का ज़रूर नहीं है. पैसा चाहिए, बिना पैसा जीवन नहीं लगता है, चलता है. एक घर लेने के लिए, खाने पीने के लिए, ट्रैवल करने के लिए उतना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा ह्यूमन टच चाहिए. अगर मैं ये इंटरव्यू की शुरुआत उल्टा करूँ, ये सब आपको मिल गया लाइफ में, तो कमी किस बात की लगी? क्या सुधा जी को लगा मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं ये जगह देख लूँ? एक डिज़ायर होता है इंसान का आउट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स. व्हाट इज़ सुधा जी की डिज़ायर्स क्या हैं? वेल, मुझे 2-3 चीज़ के डिज़ायर्स है, आशा है. आई वॉन्ट टू सी माई कंट्री, हमारा देश में सब बच्चों को 3 times a day मील मिलना चाहिए. ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर चाहिए. 3 सेट ऑफ कपड़े चाहिए और मिनिमम एजुकेशन तो 12th स्टैंडर्ड तक चाहिए. और लाइफ से लाइफ स्किल चाहिए, एक स्किल, वो स्किल से वो जीवन जी सके. ये मेरा आशा है. Wow. उसके अलावा कुछ नहीं है. मतलब फॉर योर सेल्फ कुछ नहीं? हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या कुछ तो होता है कि क्या होता है, क्या देखना है देख लिया है, क्या देखना होता है, क्या करना होता है, इससे ज़्यादा. आपकी अभी हाल ही में मैं अगर बोलूं कि शादी का सीजन चल रहा है अभी, एवरीवेयर देयर इज वेडिंग्स, पीपल आर ओनली डिस्कसिंग ये इतना बड़ा आदमियों की शादी में इतना कम खर्चा क्यों किया है ये वो, और आपका शादी 800 रुपए में मैंने सुना हुआ है। सुधा जी आई एम शॉक्ड, आपको चॉइस दिया नारायण जी ने कि साड़ी लूं या आपको मंगलसूत्र लूं, आपने बोला मंगलसूत्र लंबा चलेगा, उसमें भी आपका लॉजिक था। ये ऑल्सो क्योंकि ये आपकी चॉइस थी, कि कजिन्स को मत बुलाओ, इतने लोगों को मत बुलाओ, क्यों आपने इतना कम खर्चा करके शादी क्यों करना चाहिए? इट्स मोस्ट मेमोरेबल डे फॉर योर फैमिली, और आपके माता पिता की खुशी भी नहीं थी उसमें। और हम लोग बोलते हैं ना माता पिता की खुशी देखो, तो प्लीज़ टेल अस ये इंडिपेंडेंट थॉट जो आपका तब था और आज कुछ कुछ नए नए जगहों पे देखने को मिल रहा है। मैं बोलती हूँ शादी में क्या होता है, लोगों को लगता है बहुत बढ़िया शादी किया तो बहुत खुश से रहते हैं, ऐसा नहीं है। शादी एक दिन का होता है, लेकिन आप कैसे रहते हैं शादी के बाद वो महत्वपूर्ण है। और हमारे रिसोर्सेस हम शादी में खर्च किया तो मैं मिडिल क्लास मेंटालिटी में बोलती हूँ, बाद में मुझे लगता है वो सब वेस्ट हो जाता है। वही पैसा बच के एक घर ले सकते हैं, एडवांस दे सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। एक दिन का बादशाह के लिए इतना पैसा खर्च करके बाद में शादी कैसा चलता है मालूम भी नहीं है। मुझे लगता है सिंपल शादी होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग शादी बहुत महत्व है। आप कैसे शादी सेलिब्रेट करते हैं महत्व नहीं है, शादी के बाद आप कैसे रहते हैं वो महत्वपूर्ण है। इसीलिए वाई वेस्ट मनी करना। माता पिता कितना मुश्किल से पैसे इकट्ठे करते हैं, 2-3 लड़कियां हैं तो होल ईयर होल लाइफ दे सेव करते हैं, खुद का खुशी कुछ नहीं करते हैं। बेटी का शादी होने दो, बेटी की शादी होने दो, और ये पैसे किसके लिए? किसके लिए? सब लोगों को खुश करने के लिए नहीं। आप अच्छे से तरीके से जियो, वही खुश होते हैं। इसीलिए मैं अभी भी बोलती हूँ सिंपल शादी बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। आपके लिए सबसे मुझे बड़ा क्वेश्चन फॉर द वुमेन हु आर वाचिंग दिस इज कि लोग कहते हैं फैमिली संभालना, काम संभालना, और आपने तो किताबें भी लिखी, इतना कुछ बैलेंस कैसे किया सुधा जी? कर सकते हैं। हर औरत में बहुत पोटेंशियल है, काम का बहुत एनर्जी होता है, वो चैनल नहीं होता है लोगों को। लोगों को लगता है हम महिला है, हम क्या कर सकते हैं, और रहने तो घर में ऐसे ही बैठेंगे और ऐसे ही करेंगे, ऐसा नहीं। हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत एनर्जी है, वो प्रॉपर चैनल किया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और जरा मैनेजमेंट करना चाहिए। हम अभी किसी का शादी है, शादी में अभी बेंगलुरु में ही शादी है, अभी मल्लेश्वरम नॉर्थ ऑफ बेंगलोर, हम साउथ में रहते हैं। अभी मैं तोलती हूँ टाइम को, जाने का रियली कारण है क्या? माता पिता है, रिश्तेदार है, हम इधर से आशीर्वाद कर सकते हैं। और हर साल सालगिरह आता है, वो सालगिरह क्या इतना बड़ा बनाने का क्या है? हम क्या सीता है, क्या रुक्मिणी है, क्या राधा? कुछ नहीं है। तो लॉजिक से सोचना चाहिए कि पैसे और टाइम दोनों इक्वल है। मुझे इसमें खर्च करने के पहले विचार करना चाहिए, हम इतना टाइम बर्बाद करते हैं क्या यूज़ करते हैं? सब भगवान सबसे बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है, बहुत से बढ़िया इंटेलिजेंट है। इसीलिए आप सुंदर हो, कुरूप हो, धनवान हो, न धन निर्गति को, सबके लिए 24 आवर्स ही देता है भगवान। आप कैसे खर्च करते हैं आपकी मर्जी पे मुताबिक होता है। इसीलिए मैं मेरा वक्त है ना, टाइम काल बहुत सोच के समझ के खर्च करती हूँ। आपने पैसे के बारे में ये बात बोली कि मनी कम्स मनी गोज बट वॉट कम्स एंड ग्रोज, जो आपका हुनर है, और वो हुनर आपने बहुत बहुत पाला। वी वॉच 3 Idiots, द मूवी वॉज अबाउट दैट। हैव यू वॉच्ड इट? आपने देखी है? ऑफ कोर्स, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मूवीज, आई हैव सीन। आपको कैसे लगी 3 Idiots? बहुत अच्छा है। इट इज नॉट द ओनली एकेडमिक एक्सेलेंस। अगेन आई वांट टू टेल नेक्स्ट जनरेशन इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव एकेडमिक एक्सेलेंस, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन दैट इज नॉट ओनली थिंग। उसके बराबर you know you should have atmastairya, that is confidence, you require sports, you require compassion heart. ये सब मिलके ही एजुकेशन और विद्या होता है। विद्या माने सिर्फ ग्रेडिंग A++, 99 वो नहीं, उसके अलावा भी चाहिए। तो हम नौजवानों को बोलती हूँ मैं, आप सब में सब सीखना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, एकेडमिक एक्सेलेंस होना चाहिए, और कंपैशनेट हार्ट होना चाहिए। ओनली दैट पर्सन विल कम अप इन लाइफ। हाउ वर यू ब्रॉट अप सो बोल्डली एंड सो वेल? यू वर द फर्स्ट वुमन जो टाटा में ओनली फीमेल इंजीनियर थी। उस जमाने में इंजीनियरिंग भी करना वो सारे स्टेजेस के बारे में बताइए और ये माइंडसेट जो लोगों का होता है कि अरे तुम लड़की हो, तुम्हें क्यों मार्क्स लाना, तुम्हें तो शादी करनी है, ये भी होता है सुधा जी. तो व्हाट वुड यू लाइक टू से, क्योंकि आप ये सारे चीज़ों के लिए काम कर रही हैं. मैं बोलती हूँ विद्या के लिए जेंडर का आवश्यकता नहीं है. अरे फीमेल है वो नहीं करना, मेल है वो करना नहीं. विद्या के लिए मन चाहिए और एटीट्यूड चाहिए. विद्या के लिए कठिन परिश्रम चाहिए, कंसंट्रेशन, एकाग्रचित चाहिए. आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं. वाह. तो तब उस ज़माने में आपके पेरेंट्स ने भेदभाव नहीं किया था? नहीं, हम तो 4 लोग बच्चे थे, हम 3 लड़कियां और 1 लड़का. हमारे पिताजी माताजी कुछ फर्क नहीं किया. मेरे बड़ी दीदी डॉक्टर है, हाँ, गायनिकोलॉजिस्ट है, छोटी कंप्यूटर साइंटिस्ट है, और हमारा भैया अमेरिका में एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, प्रोफेसर है. हमारे पिताजी ने बोल दिया आप क्या पढ़ते हैं, आपके मन की इच्छा, लेकिन मन लगा के करना. हाँ, मन लगा के. सेम थ्री इडियट्स वाला फंडा है ना, मन हो तो उसमें. बट यू हैव सो मेनी फैसेट्स टू यू. फिलैंथ्रोपी को तो बाद में आएंगे, बट राइटिंग कैसे हुई? मत एंड ऑल्सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जब आप ओनली वुमन हैं ऑफिस में तो आपको कभी ऐसे झिझक नहीं हुई मैं इधर क्यों हूँ, मैं इधर से भाग जाऊँ? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मुझे सैलरी उनके, मैं उधर एम्प्लॉय थी, मुझे सैलरी उनके साथ मिलता था. सैलरी मिलता है, एम्प्लॉय है, काम करने के लिए मिलता है, इसलिए मैं अच्छे से काम करती हूँ. मुझे मेल फीमेल वो के मुझे देखता है, देख ले उसमें क्या, हम भी उनको देखेंगे. पर उस जमाने में बहुत होता था ये. या उस जमाने में ऐसा था कि लड़की कभी भी इंजीनियरिंग सोच नहीं सकती थी. लड़कियों के एक बीए डिग्री मिल गया तो बस खुश, शादी करो. और उस समय ऐसा गाना भी चलता था, हमने कई बार इंटरव्यू में बताया, मांग के साथ तुम्हारा मांग लिया संसार, ऐसा कुछ माहौल था. लेकिन मैं चुप नहीं, मैं चुप रहूंगी, ऐसा कुछ मूवी भी आते थे. लेकिन हमने नहीं सोचा ऐसा. हमने सोचा कि लड़की को विद्या चाहिए. विद्या एक मंत्र दंड है. विद्या आने के बाद, शिक्षण आने के बाद एक लड़की का देखना का तरीका अलग हो जाता है, और वो बोल्ड हो जाती है, सेल्फ सफिशिएंट हो जाती है. आपके मन के तरीके से वो जीवन कर सकती है. इसीलिए एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वीमेन. यू नो, आपके पेरेंट्स ने तो बहुत अच्छे से आपको रखा. एंड आई थिंक ये एक महाराष्ट्र और ये कर्नाटका बेल्ट में बहुत मैं देखती हूँ कि इंडिपेंडेंस वुमेन को देने के लिए you know, हमेशा रेडी रहते हैं. क्योंकि मुझे ऐसे लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यू आर अ बेटर हिस्टोरियन देन आई, कि वहाँ पे लोग ज़्यादा मछुआरे की जो एक हिस्ट्री है कि वो लोग साथ कंधे से कंधा मिला के मच्छी लेने जाते हैं, वो कहीं ना कहीं इट पर्क्यूलेटेड ओवर द ईयर्स एंड into their lives. ऐसे आपको लगता है? मछुआरे के मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये मैं बोल सकती हूँ स्वतंत्र क्रांति वो हमारे नॉर्थ कर्नाटका में और साउथ महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा था. बिफोर झांसी लक्ष्मी बाई देयर वाज अ लेडी बाय द नेम कित्तूर रानी चन्नम्मा. वो रानी थी और वो इंग्लिश लोगों से लड़ाई की. एंड कलेक्टर का नाम था ठाकरे, उसको युद्ध में पराजित कर दिया, वो मर गया उसमें. ऐसे हमारे संस्कृति में महिलाओं युद्ध को जाना, महिलाओं और पुरुष लोग युद्ध को गए तो घर संभालना और खेती करना, वो बहुत इम्पोर्टेंट था कि वीमेन आर नॉट इनसाइड द हाउस, दे विल वर्क अलोंग विथ मैन. इसीलिए मुझे लगता है वो कल्चर परकोलेटेड आ गया है. How did you choose your groom? बहुत लड़कियां मुझे पूछती हैं, क्योंकि मेरी भी शादी हो गई है सुधा जी, कि कैसे पता है ये लड़का मेरे लिए है. क्योंकि ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड मोर एंड मोर वीमेन आर नॉट लाइकिंग द मेन दे सी मेनी अ टाइम्स. तो दे आर लाइक, क्या शादी क्यों करनी है इसके साथ, क्यों, मतलब कैसे करे वो डिसाइड? नहीं, मेरा शादी होके 46 साल हो गया. पुराने ज़माने के, आजकल के लड़कियाँ कैसे सोचते मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे ज़माने से हम बोल सकते हैं आई वॉन्टेड टू मैरी समबडी. वो लड़का नंबर 1 उसका वैल्यू सिस्टम मेरा जैसा ही होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए. और मैं किताबें बहुत पढ़ती हूँ, वो भी किताबें पढ़ना मन का होना चाहिए. नहीं तो मैं किताबें पढ़ती हूँ, वो फिल्म मैगजीन पढ़ता है कैसा होता है, और मैं किताबें पढ़ती हूँ, वो पढ़ता ही नहीं हूँ क्या होता है. इसीलिए मैं कभी भी वो सोचती थी आई वॉन्ट टू मैरी समबडी हु रीड्स अ लॉट, सीरियस रीडिंग, एंड हु हैज अ गुड वैल्यू सिस्टम. मनी इज नॉट अ क्राइटेरिया, पैसा कभी भी क्राइटेरिया नहीं था मुझे. हमारे पास डिग्री है, हम काम करते हैं, उसमें क्या है। उसके पास डिग्री होता है, वो भी काम करता है। पैसे के लिए शादी नहीं करना। हाँ, वो शादी नहीं टिकता है। शादी करना है तो मन को वो आदमी पसंद होना चाहिए, बट आदमी को भी देखना चाहिए औरत की खुशी किस में है। तो नारायण सर ने डिड ही ऑलवेज से हाँ यू डू व्हाट यू वांट, ऐसे मतलब वो सपोर्ट थे जैसे आपके पेरेंट्स थे। ऑफ कोर्स, इसीलिए हम बोलते हैं बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग मैन। नहीं तो आपको भी, आप भी शादीशुदा है, आपको मालूम है पति का सहकार नहीं दिया तो घर में सहकार नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हम कर सकते हैं लेकिन मुश्किल हो जाता है। या और फिर वो एक्सेप्टेंस भी नहीं आती है। यू सेड अ ब्यूटिफुल थिंग कि बिकॉज आपने लोगों की मदद की है, आपको लगता है आप ब्लेस्ड हैं लाइफ में। ये एक कर्मा थियोरी है। बहुत लोग सॉरी टू से इसको एक अच्छा मैं 10 रुपये दान करूँगा तो मेरा अच्छा होगा, ऐसे भी उसको कर रहे हैं। आपका आई कैन सी इट्स कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ केयर, कंसर्न एंड जेन्यूननेस। पर ये एक फंडामेंटल है जो मैं सबको बताना चाहती हूँ, बिकॉज ये जनरेशन पैसे बचाना नहीं जानती है, वो खर्च करना चाहती है, वो घूमना चाहते हैं, वो घर भी नहीं खरीदना चाहते हैं। सो समवेयर आई वांट टू ब्रिंग इन दिस समवंस कि कितना ज़रूरी होता है दान करना या सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना। वो आपके मन के ऊपर है, क्योंकि किसी को 10 रुपये दिया तो दान ज़्यादा लगता है, किसी को 1 करोड़ दिया भी कम लगता है। लेकिन मैं क्या बोलती हूँ, पैसा चाहिए लेकिन मदद किया तो आपके मन में अच्छा लगता है, मन में अच्छा लगता है। और फिलोसॉफिकली मैं देखती हूँ इतना पैसा एक व्यक्ति को नहीं चाहिए, सच्ची बोलती हूँ। ओके, मैं शायद बहुत डिफ़िकल्टीज देखी हूँ। अंडमान निकोबार में काम किया है, नेशनल डिजास्टर्स में किया है, इसीलिए मैंने वॉलंटियर करके चले जाते थे। हम इन्फोसिस फाउंडेशन के हेड थी मैं, इसीलिए उससे मैं जाती थी। हमने देखा है लाइफ में सच्ची आनंद देने में अच्छा होता है। ये मेरा पर्सनल फीलिंग है, बहुत अच्छा लगता है देन बाइंग एन एक्सपेंसिव साड़ी। सो यू ओके, व्हाट इज योर मोस्ट एक्सपेंसिव बाय? आपका क्या है? क्योंकि आप बुक्स, पर बहुत एक्सपेंसिव बाय कभी भी बुक्स होता है। दूसरा, व्हेन आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिस्ट्री, मेरे नाना जी हिस्ट्री टीचर थे स्कूल में जी। और बहुत जल्दी और बचपन से हमको हिस्ट्री का पाठ सिखाते थे, इसीलिए हिस्ट्री का बहुत प्यार है। हाँ। मैं कभी जाती हूँ हिस्ट्री साइट में, एक्सपेंसिव गाइड को लेती हूँ मैं बोलती हूँ नहीं, एक सेकेंड। हम लोग जब गाइड लेते हैं तो हमेशा भी हैगल कि कम पैसे नहीं, हम ज़्यादा देते हैं क्योंकि उससे हमको वो हिस्ट्री मालूम हो जाता है। yes. हम किसी में रेस्टोरेंट गए तो 5,000 खर्च हो जाता है। अरे गाइड को 5,000 देना दो ना, उसमें क्या है, कितना हम सीख सकते हैं उनसे। right. उनका भी जीवन चलता है उससे। yeah. इसीलिए मैं एक्सपेंसिव हैबिट्स आर एक्सपेंसिव गाइड्स आई विल टेक, गुड एंड एक्सपेंसिव गाइड्स। और किताबें खरीदने के लिए आप कहीं पे भी, एयरपोर्ट पे हो, किधर भी आप जाते हो तो हमारे घर में, मेरे घर में मेरा ही एक लाइब्रेरी है। मूर्ति साहब का 2 है, मेरा 1 है। और मैं खूब ज़्यादा पढ़ती हूँ। मैं हिंदी कैसे बोलती हूँ, एक महाराष्ट्रीयन हिंदी बोलते हैं ना, ऐसे बोलती हूँ। आई लव द हिंदी वर्ड, क्योंकि आप दिल से बोल रहे हो। इन मराठी, कैन यू गिव अस, बिकॉज आई नो यू आर अ मल्टीलिंगुअल पर्सन, मराठी में अगर आप एक मैसेज देना चाहें कि साहित्य, क्योंकि महाराष्ट्रियंस एज मच एज इवन गुजरातीज आर अ लॉट इनटू लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर। एक मैसेज जो आप नए साल में देना चाहते हो कि आप भी उसमें बहुत पार्टिसिपेट कीजिए, वो क्या कहेंगे आप मराठी में? मी लोकांना, तुम्हाला मराठी कळतं का? बरं, मी सगळ्यांना सांगते, महाराष्ट्रामध्ये खूपच वाचक लोक आहे, त्यांचे लायब्ररीज छान आहे। आता डिजिटल आल्यानंतर लोकांचं जरा कमी होत असेल, परंतु जरूर पुस्तक वाचन ठेवा, त्याच्यामुळे मुलांना चांगला एक संस्कार देऊ शकेल। नाहीतर मुलांना लहान वयातच डिजिटल चालले तर तुम्हालाच त्रास होईल। हे रीडिंग हॅबिट महाराष्ट्रीयांकडे खूपच आहे आणि छान वाचतात। माझे पुस्तकं एवढं विकतात महाराष्ट्रामध्ये, मला खूप त्याच्याबद्दल गर्व आहे की माझे पुस्तकं मराठी लोक वाचतात आणि मला एक लेखिका म्हणून स्वीकार केलेले आहे। त्यामुळे मी खूप त्यांना अभिनंदन आणि नमस्कार करते। आपके घर में आपने बोला लाइब्रेरी है, व्हाट इफ आई केम टू योर हाउस और मैं एक बुक आपसे मांगू, फिर आप मुझे क्या बोलेंगे? नहीं देती हूँ बोलते अरे बुक्स देने के लिए तो बुक्स आपको चाहिए, चलिए अब हम बुक शॉप को जाएंगे, हम खरीद करके देते हैं, लेकिन मेरे लाइब्रेरी के कुछ नहीं देती हूँ। हाँ। मैं पढ़ने के लिए रखती हूँ, उधर अंडरलाइन है, मेरे सब पुस्तक अंडरलाइन होता है, क्या हमने पढ़ा है, क्या हम नहीं पढ़ा है, क्या वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे बुक्स नहीं, किताबें नहीं होते हैं, मेरे दिल का टुकड़ा होते हैं, ऐसे दे सकती हूँ आपको। मैं आपको चाहिए तो आइए, मैं पुस्तक देती हूँ, बाहर खरीद करके देती हूँ। एक टॉप 3 बुक्स जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस लाए, ऐसा है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक हम बहुत यंग एज से हम पढ़ते थे, 8, 9, 8, 9 ईयर्स ओल्ड से। अभी बचपन में रामायण अच्छा लगता है, टीन एज में और कुछ अच्छा लगता है, 20-30 साल में और कुछ अच्छा लगता है, और रोमांटिक नॉवेल अच्छा लगता है, अभी बुढ़ापे गीता अच्छा लगता है। इसीलिए एक किताब ऐसा नहीं बोल सकती हूँ, सेट ऑफ मेनी बुक्स व्हिच आई हैव एंजॉयड इन डिफरेंट पीरियड्स ऑफ लाइफ। If there is a book that at least you felt had the power to change more people, क्योंकि कुछ किताबें ऐसे होती हैं, जैसे पॉलो कोएलो का The Alchemist है for instance, बहुत लोग कहते हैं गीता से तो आपको हर लाइफ का सवाल का जवाब मिलेगा। Also क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेशनल हैं, पॉजिटिव हैं, कौन सी किताब है जो हमको अपने लाइफ में अपनानी चाहिए? आपके मर्जी से होता है, बट कोई है एक जो यू फील हैज द पावर टू ट्रांसफॉर्म, क्योंकि अभी बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो एक बुक अगर आप एटलीस्ट हाईलाइट कर दो। मेनी बुक्स आई कैन टेल, फॉर एग्जांपल मेन हु शेप्ड द फ्यूचर, आई फेल्ट दैट वाज लाइफ ऑफ साइंटिस्ट, और सिग्निफिकेंट सिस्टर्स वेयर हाउ वुमेन सफर्ड ड्यू टू अनरीजनेबल लॉज इन द पास्ट। और देयर इज वन मोर, एक और एक किताब है 10,000 Miles Without a Cloud, which I liked it a lot. It is a journey from Xi'an to Kanauj, which अभी हुएनसंग हमारे देश को आए थे, 629 AD में आए थे, हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन थे ना, उस समय वो आए थे, वो उनका डायरी लिखा है, इंडिया कैसे आएगा, इंडिया में क्या है क्या नहीं है, काशी के बारे में लिखा है, कनौज के बारे में लिखा है, और कांची के बारे में लिखा है। वो 1500 ईयर्स के बाद और 1400 ईयर्स के बाद एक चाइनीज लेडी वही डिस्टेंस ट्रैवल करके उनके एक्सपीरियंस लिखा है, 10,000 Miles Without a Cloud, दैट बुद्ध बौद्धा सूत्र है। जी जी जी। और एक इंग्लिश ऑथर है, वो लिखा है किंगडम ऑन इंडस, सिंधु नदी के ऊपर क्या क्या राज्य आ गए, उसके ऊपर बहुत बहुत बढ़िया बुक है। और डायना एक का एक बुक है, उनका PhD थीसिस दिस इज ऑन बनारस और काशी के ऊपर है, वो भी बहुत बढ़िया है। इसीलिए मैं क्या बोलती हूँ, हमारे मन में क्या आशा है और प्यास है, वो लोगों को वो किताब अच्छा लगता है। राइट राइट राइट, बट मोर रियल आई फील, आप जो पढ़ रहे हैं वो रियल एनकाउंटर्स हैं, दे आर नॉट जस्ट समथिंग। अब आपकी भी पुस्तकों में इतना ह्यूमर होता है, मैं सोचती हूँ आपको कहाँ से आता है ये ह्यूमर? शायद वो हेरिडिटरी, मेरे पिताजी बहुत वो प्रोफेसर थे, हमारे पिताजी क्लास में 30, वो मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे, उनके क्लास में 40-50 लोग स्टूडेंट्स होते थे, लेकिन उनको बहुत ह्यूमर वो मिक्स करके वो पढ़ाई करते थे, यूज्ड टू टीच, इसीलिए उनकी क्लास में 150 लोग होते थे। जस्ट लिसन टू हिज ह्यूमर। वाओ, आई विश देयर वाज यूट्यूब वीडियोस ऑफ हिज। हम लोग कितना जमाने में नहीं था, 25-27 इयर्स यू नो ही पास्ट अवे। मन्नादा माटू में आपने जैसे बोला, वो आदमी आता है, बोलता है सुधा जी है क्या, बोलते हैं हाँ नहीं आई है आज, फिर आप यू बिहेव लाइक यू आर नॉट सुधा जी, एंड देन ही गिव्स यू बुक्स एंड सेज हाँ मुझे सुधा जी बोला है कि इतना फनी इंसिडेंट है सुधा जी, एंड ये रियल लाइफ में आपके साथ घटना घटी है? होता है बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि मैंने एक बार लिखा है, आई वॉज स्टैंडिंग इन बिजनेस लाइन, एक और सुनने में होता है कैटल क्लास, वो 2 महिला थे, वो बोल रहे थे ये यू नो आप साड़ी पहन लिया तो, आप तो सलवार कमीज पहन लिया तो लोगों को लगता है ये तो भाभी जी है, दीदी है, इनको इंग्लिश नहीं आता है, इसीलिए उनको लगता है। 2 बोलते थे ये महिला को मालूम नहीं ये बिजनेस क्लास है, शी शुड गो एंड स्टैंड इन इकोनॉमी क्लास। लोगों को लगता है कि आप साड़ी पहन लिया तो चलो आप गरीब लोग हैं, आपको वो इंग्लिश बोलने के लिए आता है, आपने अनपढ़ है, ऐसा लोगों को लगता है। मुझे वो सब देखने के लिए मजा आता है, हम कभी भी नाराज नहीं होते उसके ऊपर। यू आर गॉर्जियस, बट योर डॉटर अक्षता इज इनटू फैशन। आई वांट टू नो, मैं अपनी मम्मी के साथ ही बहुत करती हूँ कि मम्मी थोड़ा लिपस्टिक लगाओ ना आज, थोड़ा सा ग्लॉस लगाओ ना, थोड़ा साड़ी ऐसा अलग पहनो ना, ये ड्रेस पहनो ना। अक्षता कितना आपको पुश करती है? अक्षता बोलती है नहीं, मैं और अक्षय इसमें डिफर होते हैं। वो अक्षता का पैशन है, मेरा पैशन है। और अक्षता बोलती है अम्मा यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग, वॉट एवर यू वेयर पीपल अप्रिशिएट, है आपका अलग है, लेकिन इफ़ यू गो टू एन इंटरव्यू एंड देयर यू हैव टू प्रेजेंट, नो यू हैव टू प्रेजेंट इन अ डिफरेंट वे। हम बोलते हैं हमारा टाइम में इंटरव्यू मोर ऑफ टेक्निकल थिंग्स थे, ऐसा ड्रेस के ऊपर नहीं था। तो वो मॉडर्न लड़की है, उनका यू नो फैशन इज हर पैशन। हमको फैशन का स्पेलिंग भी मालूम नहीं क्योंकि मेरी दादी, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी दादी हमको बहुत कहानियाँ सुनाती थी। मैं चाहती हूँ कि थ्रू दिस इंटरव्यू एक छोटी कहानी आप हमें सुनाएं, क्योंकि अब वो कहानियाँ YouTube पे तो हैं, पर एक रेडियो पे कहानी सुनने का और मज़ा है। एक शॉर्ट स्टोरी सुधा जी क्या हो सकती है? इट कुड बी एन एनेक्डोट ऑफ योर लाइफ, लेकिन एक कहानी। ओके, आई विल टेल यू जी। तो सुधा जी एक स्टोरी हो जाए, और रेडियो पे आई फील आई वांट टू रिवाइव दिस बिकॉज स्टोरी टेलिंग इज द ओरिजिनल फॉर्मेट ऑफ रेडियो। और आपकी अभी स्टोरीज YouTube पे आने वाली हैं, वी आर वेरी एक्साइटेड, सो लेट्स स्टार्ट हियर, है ना? ओके, स्टोरी टेलिंग के बारे में मैं पहले बोलती हूँ। मैं 10-12 साल की थी, हमारे स्कूल में हमारे हिस्ट्री टीचर प्रेग्नेंट थे, इसीलिए वो मैटरनिटी लीव लिया, एंड वी डिड नॉट गेट सब्स्टिट्यूट टीचर। और मैं तो क्लास मॉनिटर थी, सबको क्लास कंट्रोल करना था पहले, और हमारे क्लासमेट्स मेरे एज के थे, और हमने बता दिया कि डोंट मेक नॉइज एंड यू गेट पावर व्हेन यू आर 12, नो यू विल बी वेरी स्ट्रिक्ट। हमने बोल दिया नहीं, चुप रहना, करना चाहिए। वो नहीं सुनते थे, और मुझे लगा चलो हम एक कहानी बोलेंगे, और सब लोग कहानी सुनते थे। उस समय हर रोज हम एक कहानी उधर पढ़ते थे। अरे और I used to tell a story. That's beautiful. And आपके 12 साल के थे? अरे बहुत, हमारे इंडिया में कथा सरित सागर है कि कुछ किधर भी जाओ एक 10-12 आपको स्टोरी मिलता है जी। और मुझे एक हफ्ते में मालूम हो गया the best way to control children is tell a story every day. So next 3-4 months I told, and there I learned the art of telling stories. Wow. Okay. मैं ये सच कहानी नहीं है, ये सच में रियल लाइफ में हुआ है। हमारा तो जॉइंट फैमिली था, और मैं बहुत लेजी थी एज ए चाइल्ड, और हम, मेरे माँ ने किसी के घर को हमको भेज देते, उधर दे के आना, मासी के घर, चाची के घर। हम जल्दी से नहीं आते, उधर ही बैठते थे शाम तक। इसीलिए हमको सब लेजी बोलते थे, ये सोमारी, मराठी में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, इफ यू आर लेजी, आलसी, आलसी, आलसी थे। आलसी के ज़्यादा हमारे किधर गए थे उधर घूम जाते थे। तो वन डे हम सांबार लेके, स्कूल ट्रिप था, हमने बोला हम सांबार लेके आते हैं, हमारे मम्मी, हमारी नानी और मम्मा अम्मा बहुत अच्छा सांबार बनाते हैं। वो सांबार पे रखा था, चूल्हे पे रखा था। हमारे अम्मा ने बोल दिया अरे भाई जाने के पहले मैंने सॉल्ट नहीं डाला, क्योंकि वो when it boils you should not add salt, afterwards you have to add. She said add 2 spoons of salt and take it when you are going. अम्मा तो स्कूल टीचर थी, चली गई, और हम मासी के घर गए थे, मुझे मालूम था। और मेरे नानी को लगा अरे इसको बोल दिया तो ये नहीं डालती है, इधर किधर ही घूम गई। वो 2 टीस्पून डाली। मेरे नाना जी बाहर बैठे थे, उनको लगा अरे पुअर नानी जी सोए हैं, ये तो गड़ी सुधा गई, लोग जल्दी से नहीं आते। वो 2 टीस्पून डाले। मेरे बहन थी, वो डॉक्टर बहन थी, उसको लगा अरे ये लड़की नहीं आती है जल्दी से, वो 2 टीस्पून डाल दी। oh, no. और हम आ गए, हमें लगा कोई नहीं डाला है, हम भी 2 टीस्पून डाल दिए। और सांभर बहुत अच्छा हुआ, और लेके गए हम, सब बहुत बढ़िया सांभर है, और सबको मालूम है ये सॉल्टी सांभर है। और मुझे बहुत गुस्सा आ गया सबके ऊपर, अरे सॉल्ट मैंने 2 ही डाला था, सब डाल दिया। घर में आके हमने अम्मा को पूछा ऐसा क्यों किया। हमारे अम्मा बोल दिया आपका सर ने, आपका निक नेम क्या हुआ है, आलसी सुधा, किधर जाई तो उधर गुम हो जाती है, आप बॉटम लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है, इसीलिए सबको ऐसा लगा आप नहीं, हम डालेंगे, आप नहीं आते हैं बराबर टाइम के वक्त नहीं आते हैं। इफ़ यू आर स्मार्ट, इफ़ यू कम एट द राइट टाइम, इफ़ यू टेक बॉटम लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई नहीं डालता, अरे सुधा का है ना वो डालती है। इसीलिए टू प्रूव अ गुड बिहेवियर यू शुड बिहेव वेल फर्स्ट। ये मेरा स्टोरी है सॉल्टी सांभर। पहली बार नमक में मिठास मुझे मिली। आई वॉन्ट टू आस्क यू, यूट्यूब में ये वीडियोस कन्वर्ट करने में आपकी बहू का हाथ है। हाँ. बहू ने बोला चलो आपके अभी बहुत हो गए बुक्स, अभी इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। बट आपने कहा ये मेरा तो काम है नहीं, आप कार्टून बनाओ। बट आई हैव टू आस्क यू दिस क्वेश्चन बिकॉज यू ऑलवेज इनकरेज गर्ल्स बॉयज वट एवर टू वर्क। इज दैट हर पैशन? व्हाट इज हर पैशन? बिकॉज टिपिकली हमारे देश में बहू तुम घर संभालो, ये सब मत छोड़ो। देखो इससे ही मैं यार कॉन्वर्जेशन शुरू हो रहा है। नंबर वन, बहू और बेटी में मैं फ़र्क नहीं करती हूँ। दूसरा पॉइंट है, बहू का उसका घर है, मेरा मेरा घर है। वो उसका घर संभालती है, मैं मेरा घर संभालती हूँ। तीसरा है क्या, अभी वो मॉडर्न जमाने की लड़की है, उसको मॉडर्न लोग क्या चाहिए, बच्चे लोग क्या चाहिए, डिजिटलाइजेशन में क्या चाहिए, उसको मालूम है, मुझे नहीं। हम तो पेपर पेन में लिखने वाले लोग हैं, इसीलिए उसको क्या डिमांड है उसको उसका ना लेना मेरे से बहुत बेहतरीन है। इसीलिए हमने बोल दिया चलो हम तो कंटेंट देते हैं, वो कैसे आप दिखाते हैं आपका मर्जी, हम हाथ नहीं डालते हैं क्योंकि वो मेरा फील्ड नहीं है। राइट। हाउ हैप्पी आर यू कि यूट्यूब वीडियोस बनेंगी? बच्चे जो कि वैसे ही इतना ज़्यादा एडिक्टेड रहते हैं, और मुझे एटलीस्ट 10 औरतों ने मेरे शो के थ्रू मैंने उनको पूछा मैं पूछना चाहूँगी, तो उन्होंने कहा प्लीज़ सुधा जी से पूछिए हम अपने बच्चों को फ़ोन से दूर कैसे रखें। ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, सब जगह में, सब देश में, सब माताओं को परेशानी डिजिटलाइजेशन ही है। लेकिन मैं क्या बोलती हूँ, यू कैनॉट मेक इट 100% ऑफ, वो नहीं हो सकता है। मालूम होना चाहिए, यू कैन कंट्रोल और रेशन इट, इट इज पॉसिबल। कैसे कर सकते हैं? चलो आप पढ़िए, हम भी आपके साथ बैठ के पढ़ते हैं बोला। अरे आप पढ़िए, मैं व्हाट्सएप करती हूँ, तो ऐसा बोल दिया तो मदर चिल्ड्रन भी व्हाट्सएप करते हैं। आप बच्चे के साथ बैठना, बच्चे के साथ आप खेल खेलना, बच्चे के साथ टाइम बिताना इम्पोर्टेंट है, पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अरे बच्चे लोग बोलते हैं अरे वो तंग कर रहे हैं, चलो उसको वीडियो लगाओ और हम काम करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए आप उनसे डायलॉग रखना चाहिए। दूसरा एक है कि हम रेशन करना चाहिए टाइम। ओके 100% नहीं होता है, इसीलिए सैटरडे संडे आप टीवी देखिए, लेकिन अंडर माय सुपरविजन, अंडर माय सुपरविजन। चलो हमारे अभी बहुत ऐसे कार्टून्स आते हैं, लेकिन मेरे कार्टून में स्टोरी टाइम सुधा अम्मा कार्टून में मैं वैल्यू बेस्ड करती हूँ। अभी बच्चों को सत्यम मोदा धर्मम जरा ऐसे हमने सत्य बोलना, धर्म करना, ऐसा बोलते वो मॉरल साइंस क्लास बना के वो नहीं आते, भाग जाएंगे, भाग जाते हैं। इसीलिए सत्य बोलने से क्या लाभ है, असत्य बोलने से क्या नुकसान है, ऐसा एक स्टोरी लिख के वो कार्टून किया तो उनके मन में बहुत साल वो रहता है। सो वैल्यू बेस्ड और विथ मॉरल बेस्ड आपने कथा लिखा तो उसका वो कार्टून देखने से वो मन में रहता है। इसीलिए मैं डिजिटलाइजेशन टू सम एक्सटेंट इज नीडेड टू रेशन दैट एंड सी गुड वैल्यूज मूवीज और दी कार्टून्स। आई फील एज अ ग्रैंड मदर आपका भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा आपके ग्रैंड चिल्ड्रन की तरफ, तो जब आप उनको लेट्स से लंदन मिलती हैं, यहाँ मिलती हैं, What is it that you want to impart to them? या वो naturally आप कैसे करते हो? Because parents के लिए थोड़ा difficult होता है वो, सॉरी घर की मुर्गी हो जाते हैं बच्चों के लिए। हाँ, मैं पहले ऐसे करती हूँ, उनको क्या इंटरेस्ट है देखती हूँ। हाँ, मेरे इंटरेस्ट नहीं, अरे बच्चों अभी रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, तो वो नहीं पढ़ते हैं। मैं उनको बिठा के पैसे पहले ऐसा बोलती हूँ, आपको क्या चाहिए, हाँ आप किस में आनंद करते हैं, और वही हम बोलेंगे। हाँ, ऐसे मैं डायलॉग शुरू करती हूँ। मैं उसके इसके बारे में एक लेखन भी लिखा है। मेरे दोनों ग्रैंड चिल्ड्रन जी क्या बोलते हैं हिंदी में ग्रैंड चिल्ड्रन? पोता पोती, पोता पोती, पोता पोती, मैं शब्द जल्दी से ले आता है। नहीं वैसे यू आर टू गुड। पोता पोती को पोतियों को बोला चलिए आपको क्या चाहिए, वो बता दिया समथिंग, आप बचपन में क्या एंजॉय करते थे वो बता देना। हाँ, हमने उनको कृष्ण का वो कदम्ब वृक्ष पे कृष्ण बैठता है, सबका साड़ियाँ चोरी करता है, बाद में वो बोलते हैं गिरिधर हमको वो साड़ियाँ देना, वो देता है। ये मुझे बहुत अच्छा कहानी लगता था। जी, जी। हमने वो कहानी उनको सुना और बोल दिया आप कल मुझे रिपीट करना। हाँ, दूसरी पोती को बोल दिया अक्षय पात्रा। हाँ, कृष्ण अक्षय पात्रा देता है और दुर्वासा जाता है, दोनों बता दिया। हमको मालूम हो गया, मैंने नेक्स्ट डे बोल दिया आप हम कल एक आपको कथा सुनाया था अभी रिपीट करो। हाँ। एल्डर और बताया मुझे कृष्णा बहुत एक नॉटी लड़का था और सबके घर में जाके वो रेफ्रिजरेटर खोल के मक्खन और दूध खाता था, चीज खाता था। सब आंटियां बोलते थे यशोदा को मैनर्स ही नहीं है क्या, बच्चों को कैसे पढ़ाया है। एक दिन सब क्रिसमस के टाइम था और वार्म वाटर स्विमिंग पूल थे, वो सब स्विमिंग के लिए गए थे। कृष्णा ने क्वाइट से आके उनके चाबी लॉकर का चाबी चुरा के ऊपर बैठ दिया। वो बाद में वो आते हैं उनका चाबिया ही नहीं है। वो कृष्ण से बोल दिया कृष्णा हमको चाबी दे दो बहुत ठंड बाहर है। कृष्णा ने दिया ओके मैं चाबी देती हूँ लेकिन मेरे माँ के साथ आप नहीं बोलना कि कृष्णा ऐसा चुराता है। और वो बताया चलो लेट अस हैव अ डील, विल हैव अ पिज्जा एंड हॉट चॉकलेट आउटसाइड। ये उनका वर्जन ऑफ कृष्णा एंड कदम्बा ट्री। अभी मुझे लगा ये तो बहुत अलग ही कृष्णा अवतार है, लेकिन मुझे मालूम हो गया वो लंदन में है, उनका वो माहौल अलग है। वो हम तो गांव में रहते थे, कदम्बा ट्री वो रिवर वो पॉन्ड हमको सब मालूम है, इनको कैसा मालूम हो जाता है। वो उनके वो हिसाब से वो कृष्णा अवतार बोल दिया। दूसरों को हमने पूछा अभी आप अक्षय पात्र वो द्रौपदी और उसको वो पिकनिक के लिए इसको गए थे, फॉरेस्ट गए थे। उनका एक अंकल बिना बताए सेलफोन था लेकिन नहीं बताए वो लंच को आ गए और द्रौपदी के पास एक प्रेशर कुकर था, प्रेशर कुकर नहीं वो बोलते हैं क्या बोलते हैं आजकल माइक्रोवेव नहीं माइक्रोवेव नहीं आजकल वो लेटेस्ट आ गया है ना। यू आर टॉकिंग अबाउट बेकिंग नो बेकिंग नहीं वो कुकर है। हाँ, इंस्टा पॉट आ गया। इंस्टा पॉट उनके पास इंस्टा पॉट था लेकिन एक कंडीशन पे उसमें एक दाना भी नहीं अंदर रहना चाहिए वो जर्म्स आ जाता है। और उस दिन अंकल आ गया एंड वो द्रौपदी को बहुत तकलीफ हुआ क्योंकि तो वो संडे आफ्टरनून था सब दुकान बंद थे। लेकिन कृष्णा को वो टेलीफोन किया अभी लोग आ गए क्या करेंगे। कृष्णा ने बोला वो मैं आता हूँ। वो देखता है उधर एक ग्रेन का राइस था, वो बोल दिया द्रौपदी यू कैन नॉट कुक। ऐसा सबका अभी लूज मोशन हो जाता है। वो दुर्वासा जी को बोल दिया चलो हम कुक करते हैं लेकिन आप खाने से वो इंस्टा पॉट में आपको ये खाने से आपको लूज मोशन होता है। वो सुधा जी योर ग्रैंडडॉटर्स आर स्टोरी टेलर्स, दे आर सो क्रिएटिव। एंड देन दुर्वासा ने बोल दिया नहीं नहीं ये बार नहीं नेक्स्ट टाइम आएंगे, थैंक यू द्रौपदी देवेंद्र। अभी मेरे डॉटर बाहर गई थी वो वापस मेरी लड़की वापस आ गई। वो मैंने पूछ लिया कि क्या बोल रहे हैं। हमने लो टोन से बोला द्रौपदी सॉरी अक्षय पात्रा और कृष्ण लीला। वो बताते हैं नहीं नहीं वो आप उनको बता रहे द्रौपदी वस्त्रापण क्यों नहीं बताया। हमने बोला ये जन्म में शायद मुश्किल है, उसका क्या क्या वर्षन आता है लंदन में मुझे मालूम नहीं, इसीलिए उधर ही हमने बंद किया। सुधा जी साष्टांग प्रणाम आपको कि आपने इसका भी खूबसूरत स्टोरी बना दिया है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी। मॉडर्न कृष्णा एंड मॉडर्न द्रौपदी इंस्टा पॉट। डू यू फील एज कॉन्सेप्ट्स फॉर पेरेंट्स फॉर वॉचिंग ये इंटरव्यू कि बच्चों के साथ बैठ के ये कंटेंट देखना यूट्यूब पे जो आपका आने वाला है उसमें ज़्यादा उनका एक वृद्धि होगा और डू यू फील कि हाँ क्योंकि मेरे स्टोरी में हिंसा कम है, बहुत कम, रेयरली मारपीट पे जरा दिखाना दो युद्ध कर देते ऐसा दिखाना चाहिए। ह्यूमर होता है और मॉरल स्टोरी होता है। और उसमें एक कुत्ता है वो मेरा गोपी है, गोपी मेरा कुत्ता है, वो बहुत प्यारा है रियल लाइफ में। क्या ब्रीड है गोपी? गोल्डन रिट्रीवर है। और गोपी के बारे में हमने 4 बुक लिखा है, किताबें लिखा है। गोपी 1 होमकमिंग, फाइंडिंग लव, ग्रोइंग अप, अभी 4 चौथा आ रहा है उसका नाम गोपीज डे आउट। वो 7 भाषा में है। और गोपी मुझे जान से प्यारा है। और वो हमारे कार्टून में गोपी है, एक आलसी लड़का है, एक नानी जी है मैं ही हूँ, और एक लड़का लड़की है और उसका बहुत सुंदर मुखड़ा है। वो गाना साहित्य अच्छा है। और विजयनगर एम्पायर एक छोटा सा राजा रानी का एक एम्पायर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक है मेरा स्टोरी है इसीलिए। दूसरा है कि मुझे कोई भी उनके बच्चों के साथ बैठ के देख सकते हैं। नाइस। ऐसा ह्यूज, मारामारी, बैड लैंग्वेज ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट्स वंडरफुल। एंड आई एम 100% श्योर कि जो लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं वो अपनी संस्कृति को, और ये मैं आपसे as a person पूछना चाहती हूँ because a lot of people say religion is causing too much war, so they want to disassociate with culture and Sanskriti. Religion is different, culture is different. Culture is your way of living over a period of time. जी. Okay, for long time when you lived in a certain way of living, you learn love for music, art, story, and many precious things, and that is has to be passed to the next. Next generation. For example, I will tell you, in Mohenjo-daro, Harappa, they found out there is a red and white bangles. Okay, टुकड़ा मिल गया. लोगों को लगा कि red and white मालूम नहीं क्या है. Bengali का. No, it is not that way. इसका factory कराची के पास उनको मिला उस जमाने में. किसके लिए वो use करते थे किसी को मालूम नहीं. Now वो culture wearing a red and white bangle, शंखा और पोला. Today it has spread in many places, and in Bengal it is only married women. Yes. So it is 7,000 years old custom of Mohenjo-daro Harappa, and whose main factory was near Karachi. I know excavation they found out, and it spread all over India, and it came up to Gaudadesh or Bengal today, and people wear shakha pola today, indicating that is, you know, a kind of ornament owned by our ancestors at Mohenjo-daro Harappa. And you spoke of our Sindhi community. I'm so grateful. आपने इतने प्यारी बातें हमारे लिए बोली. I'd love for you to share कि आप क्या feel करते हो Sindhis के लिए. Actually, I'm a historian by hobby. So Mohenjo-daro Harappa is a great attraction to me. And I did go to Pakistan to see that, but you know you have to get a city visa. So it was difficult for me. But I saw all other sites in India, Lothal, Rakigadi, whatever is there remaining things I have seen. Many civilization came, बहुत civilization हमारे जगत में आ गए. Greek civilization, Roman civilization, Egyptian civilization, Sumerian civilization, and many more. Okay, लेकिन practicing, but over a period of time, many civilization disappeared. अभी क्या civilization रोम में था वो नहीं है, क्या इजिप्ट में था आज नहीं है, क्या ग्रीस में था आज नहीं है, सुमेरियन में क्या था आज नहीं है, लेकिन एक civilization आज भी है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन. और सिंधी लोगों का मूल इंडस वैली सिविलाइजेशन है. वो सिंधु नदी के पुत्र और पुत्रियां हैं, इसीलिए सिंधी लैंग्वेज सिंधी पी लोगों को मैं भी ऐसा बोलती हूँ, आप रियल इंडस वैली के लोग हैं. और पार्टीशन के बाद पंजाब, बंगाल और सिंध तीन लोग इंडिया आ गए, लेकिन पंजाब का एडवांटेज एक था, उनका ही लैंड था, उनका लैंग्वेज था, उनका कल्चर था, इसीलिए वो कुछ उनके लॉ जमीन खो गए, लेकिन उनके कल्चर रिमेन हुआ. बंगाल में भी ऐसा ही हुआ, उनका बंगाल लैंड था और उनका लैंग्वेज और कल्चर था, इसीलिए उनका कल्चर वो नहीं खोए, लेकिन लैंड खोए. सिंधी में सिंध राज्य डिसअपीयर हो गया, उनका लैंड गया, उनका कल्चर गया, और उनका लैंग्वेज गया. लैंग्वेज गया तो कल्चर जाता है, लैंग्वेज और कल्चर दोनों जुड़े होते हैं. इसीलिए मैं सिंधी भाई बहनों के लिए बोलती हूँ, अरे आपको सिंधी में अभी लिख नहीं सकते हैं, शायद सब इंग्लिश मीडियम गए हैं ज़माने में, वो आवश्यकता भी है, चलता है, लेकिन आपका लैंग्वेज से आप मोड़ना नहीं चाहिए. आपका लैंग्वेज आपका कल्चर इंडिकेट करता है. सुधा जी, आई एम गोइंग टू फिश फॉर वन कॉम्प्लीमेंट. मैंने आपके फ्रेंड के साथ सिंधी में बात की और मैंने साड़ी भी पहनी है, वो भी व्हाइट एंड रेड इंसिडेंटली. तो आपको मेरे लिए क्या बोलना है? मुझे अच्छा लगता है कि आप ये जनरेशन के होने के बाद इधर एक 50-70 ईयर्स आप इंडिया में आपके पिताजी और दादाजी रहने के बाद भी आप सिंधी लैंग्वेज घर में बोलते हैं. इसका कॉम्प्लीमेंट आपको नहीं, आपको माताजी को देना चाहिए. वो बच्चों को सिंधी लैंग्वेज अभी भी रखा है. बहुत फैमिली में सिंधी लैंग्वेज डिस्टर्ब करके सब हिंदी बोलते हैं, बाद में अंग्रेजी बोलते हैं. 100 साल में ऐसा एक समृद्ध लैंग्वेज, समृद्ध कल्चर, समृद्ध जनांग ऐसा था, वो लोग भूलते हैं. हम बचपन में हमारे टीचर सिंधी थे, हमको सिंधी स्टिच सिखाया था, वो बहुत ब्यूटीफुल सिंधी स्टिच डालते थे. हम अभी भी सिंधी स्टिच का मुझे वो नॉलेज है. सुधा जी, आई लव यू द वे यू टॉक ऑफ कल्चर, और क्योंकि आप इतना पढ़े हैं, आप मुझे लगता है आपकी बातें कभी ख़त्म नहीं होती हैं. बट आई ऑनेस्टली आई एम हेयर टू गेट इंस्पायर्ड बाय यू. ये एक नया साल है, नए साल की शुरुआत है, एंड मेरा प्रेयर ये है कि आपने जो यूट्यूब वीडियोज़ निकाले हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएँ, तो वो कहाँ पे जा सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं? पहले वो मैसेज लूँगी और फिर एक और मैसेज। यूट्यूब चैनल है मूर्ति मीडिया, मूर्ति मीडिया के अंडर सुधा अम्मा स्टोरी टाइम विद सुधा अम्मा, ओके, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। मेरा शीर्षिका और मेरे पहचान और मेरा टाइटल है, ओके, और इसका अंडर मूर्ति मीडिया। और वी आर गोइंग टू गिव 52 स्टोरीज, वाओ, और शायद एक हफ्ते में एक ऐसा हम प्लान कर रहे हैं। और इससे ज़्यादा नॉलेज में अपर्णा को आप पूछ सकते हैं और हमारे एग्जीक्यूटिव शिवानी को भी पूछ सकते हैं। गिविंग कंटेंट इज माइंड, ओके। तो स्टोरी हमने लिख दिया है और बच्चे लोग बुजुर्गों के साथ, नाना नानी के साथ, दादा दादी के साथ, माता पिता के साथ देख सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं जी, ओके। रेडियो सिटी, रेडियो सिटी, रेडियो सिटी, रेडियो सिटी, राग राग में दौड़े सिटी।